देखो ये एक इसे कहते हैं हम पोल्यूशन मीटर, ये कहलाता है पोल्यूशन मीटर, वायु में प्रदूषण को नापने के लिए। आजकल आप अखबार पढ़ते हो नहीं, आजकल मेरठ देश का पांचवा और उत्तर प्रदेश का पांचवा राज्य जिला है, शहर है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। प्रदूषण का मतलब है कि हमारी सांस के अंदर वो जहरीले तत्व जा रहे हैं, वो जहर जा रहा है जो पटाखों में जो छोड़ा आपने, जो पेट्रोल में जलने के बाद गैस में मॉस उसको बनता जा रहा है। और अभी देखेगा नवंबर दिसंबर के दौरान में अगले एक डेढ़ महीने में और ज्यादा गहरा होता चला जाए। और इसके लिए एक चीज है, इसमें दो तीन चीजें होती है, होती है पीएम 2.5 और एक होता है पीएम 10। पीएम 2.5 का मतलब है कि महीन कण, छोटे वाले कण पर पार्ट पर एमएम, पीएम का मतलब है पर एमएम, एक एमएम में 2.5 के कण जितने होंगे उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा। अगर एक एमएम इस्तेमाल एक बार कर, एक एमएम का मतलब ये है ये खाना, और 10 का मतलब ये है कि थोड़ा बड़ा खाना, इससे 10 गुना बड़ा होगा। तो अगर इसमें बड़े वाले पार्ट के लिए जाते हैं 10 वाले, इसमें 2.5 वाले। अब अगर इसमें मैक्सिमम 60 है लेवल तो वायु प्रदूषण के लिए सही है, और यदि इसमें ये है पीएम, इसे समझ लो ये पीएम 10 और ये पीएम 2.5, ये अगर 60 है तो ओके नॉर्मल है, वायु आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक है, और यदि ये 100 है तो ये ओके। अब ये एक मीटर है जिसे कहते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल मीटर, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मीटर, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मीटर। अब एयर पोल्यूशन कंट्रोल में ये पता चल जाए कि हमारा पीएम 2.5 कितना है, पीएम 2.5 कितना और पीएम 10 कितना। अब हम इसे करते हैं ऑन, अब आप देख रहे हैं इसमें कितना आ रहा, अभी नॉर्मल है, दिख रहा है सबको, पॉल्यूशन इस कमरे में आप इस समय कितना है। अब आप देखेंगे पॉल्यूशन 812 है, दिख रहा है इसमें कैमरे में, नजदीक ले जाओ 812 दिख गया पॉल्यूशन इसमें 865 और 999, 885 तो है 2.5 का जो 60 होना चाहिए और 999 था भी 297 हो गए 999, यू मैक्सिमम है। ये है पीएम 10 का, इसके अंदर रेटिंग 999 तक आ सकती है, इसके बाद की जरूरत नहीं क्योंकि उसके बाद तो टोटल जहर है। इसका मतलब पोल्यूशन की पराकाष्ठा है, कितनी है पराकाष्ठा, इसे कहेंगे वायु प्रदूषण की पराकाष्ठा। ये कहलाती है वायु प्रदूषण की पराकाष्ठा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने लोगों ने ईमानदार झारखंड को कितने ने पटाखे छोड़े, जल्दी का बैंक ईमानदार झारखंड एक दो तीन, तो पटाखे बिल कहां से गए, दुकान पे ऐसे ओपन खुले में नहीं मिले होंगे। तू क्या कहना चाह रहा था? सर मैं कह रहा सर हमारे चाचा को मिले थे, सर मिले थे हमें गिफ्ट में, कहां से लाया सर, हम तो लाया दोस्तों के साथ,
दोस्तों के साथ छोड़ दे, तू कहां से लाया? स्लीपिंग बैग उधर हुआ पाचा गए नहीं, दुकान से घर के अंदर दुकान कहां रहता है? जज कॉलोनी। जज कॉलोनी, तो जज कॉलोनी के अंदर दुकान जो है जज कॉलोनी कहां है? सही कॉलोनी में लगा था, मंगल पांडे नगर में जज कॉलोनी का सारे जज रहते हैं वहां, तो उस कॉलोनी के अंदर जो दुकान है वो भी कई बार जेठ उनकी साइड, जेठ उनकी के पास जो दुकान थी उसमें पटाखे बिक रहे थे। पूरा वैसे ही नहीं, नहीं छोटे मोटे, अरे छोटे मोटे बड़े वाले ने भी और किसी छोड़े। हाँ बता भी उसकी रिकॉर्ड करवा दे। हाँ सर पिछले साल के रखे थे, है? पिछले साल के रखे, बड़ा खुश हुआ वो पटाखे छोड़े। और कौन था? कौन था? घर में बिक रहे थे चुपचाप, है बोले आप थोड़ी बिक रहे थे, बोले छत पे दुकान लगा रखी थी उसमें। अच्छा वेरी गुड, चलिए ठीक। तो हवा पता चल रहा है कि हालत की सरकार ने सामना कर रहा था कि ये पटाखे मैं छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरे जैसे आदमी को अस्थमा का बहुत नौजवान बालक, तुम्हारी सांस की नली तो भी फिट है ना, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, क्योंकि हम लोग पंखे में सोते हैं जल्दी, जब पंखे में सोते है ना, ये पंखे भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। चलिए तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी 807 और 939 में सुन सकती है, पोल्यूशन देख लीजिए कितना, साफ शब्दों में मैं कहूँ तो ये टोटल हमारे सांस के लिए बहुत अच्छा है। इस समय ठंड बढ़ रही है तो पार्टिकल उड़ तो सकते नहीं, हवा में घुल नहीं सकते, और पटाखे के तो पार्टिकलों की हालत ये है कि वो तो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो बालू भरा जाता है वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो तो जमीन पे रहते हैं, ज्यादा ऊंचाई हवा पर नहीं जा सकते, तो 10-15 फीट की ऊंचाई तक जाएंगे फर्स्ट फ्लोर तक, ये फर्स्ट फ्लोर ही है, तो सबसे ज्यादा पहली जो मंजिल होती है, पहली और दूसरी मंजिल, दो मंजिल जो होती है सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहता है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन इसमें रहता है। चलिए इस पर भी बात करेंगे एक दिन, है? तो इस प्रकार से अब आप समझिए कि इतना पोल्यूशन है तो मतलब क्या है, मतलब है कि आपकी किडनी, आपके फेफड़े, आपका लीवर, सब कुछ प्रभावित होता है, और फेफड़े प्रभावित हैं तो सब कुछ प्रभावित। पिछले साल लोगों ने नहीं छोड़े थे पटाखे, बहुत कम लोगों ने छोड़े थे, है ना, पिछले और पिछले साल दो साल जब लॉकडाउन था बहुत कम लोगों ने छोड़े थे, इस बार तो ऐसे लग रहा है जैसे जिद के साथ छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो इस तरह की चीजें अच्छी नहीं है, देश के लिए भी और आपके स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए जहर है, और जब जहर है तो उसको उपयोग करना चाहिए, है ना। अभी आप देख रहे हो बिजली भी भागने लगी थी एक एक घंटे, इसका मतलब कोयले से भी प्रदूषण बढ़ता है, कोयले से बिजली बना रहे हैं, तो आप हमें कौन सी ऊर्जा पे जाना पड़ेगा, ये वाली ऊर्जा को तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम और हमारे बच्चे जो है स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सोलर एनर्जी पे, प्राकृतिक एनर्जी पे, हमें नेचर के साथ रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नेचर के साथ ही हमें जिंदा रहना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा, और नेचर के साथ कोई रह सकता है जो कम से कम बिजली खर्च करे, कम से कम बिजली इस्तेमाल करे, है ना। तो इन पंखों को मत चलाइए, बंद रखिए, और आप इन पर वेस्ट मत करिए, क्लियर होगी बात। चलिए बहुत बढ़िया, यूं तो हम लोगों ने आज वायु प्रदूषण को नापने के तरीके को, एयर पोल्यूशन कंट्रोल का जो मीटर था उस पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस से हमने नापा और जांचा सुबह दोपहर और
और दोपहर बाद। लेकिन इसके अलावा भी मैनुअल एक तरीका है, जब आप पेपर लेते हैं प्लेन पेपर और उस पर उसे कहीं चिपका देते हैं और किसी चौराहे पर और कोई ऐसी जगह पर, और फिर उस पर कार्बन पार्टिकल्स आ जाते हैं क्योंकि उससे पहले वैसलीन लगाते हैं। ये बच्चे जो वैसलीन अब लगा रहे हैं पेपर पर, इससे पहले ये पेपर के पीछे फेविकॉल लगा रहे हैं, फिर इसे दीवार पर चिपका देंगे और फिर उसके ऊपर ये अब लगाई है वैसलीन। वैसलीन लगाने के बाद में 2.5 PM पर पार्ट मिली माइक्रो सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से वो इंच एक सेंटीमीटर में हम इसको फिर बाद में एक वर्गाकार लेंगे और वर्गाकार में गिनेंगे डस्ट पार्टिकल की संख्या को, और इस प्रकार से अगर वो 60 से ज्यादा है तो खतरनाक है, और पीएम 10 है मोटे वाले हैं तो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम मैनुअल तरीका भी अपनाते हैं और डिवाइस का भी यूज करते हैं। डिवाइस को कहा जाता है कि चाइना की बनी है तो इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनुअल तो किया ही जा सकता है। और फिर देखेंगे कि एनएस इंटर कॉलेज के कैंपस में पॉल्यूशन कितना रहा।